गुरसिख दो सफर कट्ठे करता है। एक सफर तो वह है जिहड़ा करन दी लोड़ ही नहीं, आप ही होई जांदा है। आपां मौत वल नूं सारे वध रहे हां, सानूं कुछ करन दी लोड़ नहीं, मौत वल नूं साडा शरीर आप ही तुरिया जा रहा है। भावें कुछ भी ना करो, भावें सारी जिंदगी कंबल लैके सुते ही रहो, वह सफर फिर भी मुक जाना। पर दूजा सफर कईयां ने दो चार भी पंजाह सौ कदम पुट्टे होणगे, पर कई मेरे वर्गे वो ने जिन्हां ने एक कदम भी उस सफर दे उत्ते अजे तक पुट्टिया नहीं। बेशक उन्हां दी जिंदगी लंघ चली आ गुरु दे कोल जांदिआं, कथा भी बड़ी सुणदे ने, कीर्तन भी सुणदे ने। अजकल एक होर बहाना लभ गया, कहिंदे जी की लोड़ आ गुरुद्वारे जाण दी, सारी कथा तो हुण ऑनलाइन ही आ जांदी है, कीर्तन भी ऑनलाइन ही है। तो खिमा कर दियो, कीर्तन सुनिया तो जा सकता है, पर कीर्तन कमाउण वास्ते संगत जाना ही पैना है। घर बैठ के सेवा बारे सुनिया तो जा सकता है, पर ऑनलाइन सेवा थोड़ी होनी है, सेवा ते जाके संगत विच करनी पैनी है। भाई गुरदास जी ने बहुत समा पहले ही ये वचन कर दिते सी, पूछत है पथक तह मार्ग ना तारै पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन कह जाइए। हर रोज पुछदा जाके धर्म का रस्ता दसो, धर्म की गल सुनाओ, पर तुरदा नहीं, कदम नहीं पुटदा। जिहड़ा गुरु का सिख है ना, वो इस बात नूं चंगी तरह समझ लैंदा है कि मेरी जिंदगी तुरी जा रही है, तो मैं अपनी दूजी यात्रा भी शुरू कर लवां। दूजी यात्रा केड़ी? उठत बैठत सोवत नाम, बोलो सारे, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदका। वो नाल नाल जपी जांदा है, तुरद्या भी वाहिगुरू, उठद्या भी वाहिगुरू। संत बाबा अतर सिंह जी मस्तू आने वाले महापुरख पैदल चल के गए हजूर साहब की धरती ते, एक भी कदम उन्होंने नाम तो बिना नहीं पुटिया, सारे रस्ते सिमरन करते गए, बंदगी करते गए, वाहिगुरू नूं याद करते गए। शरीर का पंध भी मुक गया, तो जिदे कोल गए सी हजूर साहब दे मालक ने प्रतख हो के फिर उन्होंने अपनी गलवकड़ी दे दर्शन भी दिते। दोनों यात्रा कर लिया ना, असी तन की यात्रा तो बहुत की है, बड़ी बारी हरिमंदर साहब जा आए, आनंदपुर साहब जा आए, पर गुरमुखो लोड़ तो है मन भी साडा यात्रा करे। उस्तत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। साडा मन भी नाम जपे, मन भी कीर्तन करे।